भैया आप चटनी देखिए, ये चटनी बोलते हैं क्या बोलते हैं अंकल इसको? हाँ मीठी चटनी बोलते हैं। मीठी चटनी, इसी में सारा स्वाद छिपा हुआ है। फिर उड़ालेगा क्या बात है। ये आ गए केले, ये आ गया नमक, जीरा भुना, मिर्ची, ये नींबू आ गया, ये मिक्स हो गया, वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपने खाए थे। मैं तो यहाँ कम से कम 6-7 साल से खा रही हूँ, इतनी अच्छी लगती है, और जब भी आती हूँ ना बार बार यही खाती हूँ। ये मस्ट ट्राई कचौड़ी है, एटलीस्ट एक बार ट्राई करना बनता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। भाई आज आ चुका मैं छोटा बाजार शाहदरा, भोला शंकर की कचौड़ी, और यार ऐसे बनाई जाती है और कैसा उसका स्वाद है लोगों से पूछेंगे और जानेंगे अपनी वीडियो में रियल रिव्यू। आइए मेरे साथ अंकल जी। नमस्कार, अंकल नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, दुकान का नाम भोला शंकर कचौड़ी वाले। अच्छा आप कब से खिला रहे हो ये भोला शंकर कचौड़ी दिल्ली वालों को? ये 40 साल हो गए। 40 साल से? 40 साल से। तो भाई जो भोला शंकर की जो जान है ना, जो कचौड़ी की जान है, वो ये चटनी, इसकी मेकिंग में दिखाने वाला हूँ किस तरह से। ये आगे चटनी है और ये छोले भी हम दिखाएंगे आप अंकल। ये खट्टी चटनी होती है, इसके अंदर आप फिर डालेगा। क्या बात है। ये आगे केले, अंगूर, अंगूर डालो, ये खरबूजे के बीज है, पनीर, क्या बात है, लाजवाब, काजू। असली जान है ना इस कचौड़ी की वो यही है। एक कचौड़ी बना दो खानी। हाँ मिर्ची हॉट लाइट मैडम। कितने की है दोस्त? 1.50 रुपये का होता है। मिर्ची हल्की बहुत। मिर्ची हमारी चटनी में होती है, मैंने थोड़ी कम डाली आपको। हो जाता है लेना आप। और अंकल का सेटअप देख लीजिए भाई, ये ऊपर ही बैठे हुए हैं, इन्होंने सब कुछ अपना सेटअप जो है इस कार्ड के ऊपर ही बनाया हुआ है। इसके अंदर छोले भरे रहते हैं, ये फ्रूट्स हैं, और ये देखिए। अच्छा आमतौर पे काफी जगह मिलते हैं अंकल ये कचौरी, इसमें कुछ खास आपका कोई खास है कचौरी? अच्छा दाल के साथ बनाई जाती है कचौरी? हाँ अंदर पिट्ठी भरी जाती है। अच्छा और इस चटनी में क्या है राज, क्या मिलाते हैं? आलू चने, आलू टमाटर, टमाटर, ये चटनी होती है। ये है जी असली जो जान है ना कचौड़ी की, अंगूर होते हैं, केले होते हैं, खरबूजा होता है, काजू होता है। अच्छा क्या बात है, ये है कचौड़ी की जान। अंकल जी बताओगे कैसी लगती है आपको ये कचौड़ी? अभी हम तो बचपन से खाते आ रहे, हम तो यहीं रहते हैं बाजार में ही। बाजार में रहते हैं? हाँ जी यहीं रहते हैं शुरू से ही। अच्छा जो दूर से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कचौड़ी बड़ी टेस्टी है, यूनिक है, बढ़िया लगवा। अच्छा और क्या? एक ये नीचे रख लिया 2 मिनट के लिए, ये वाला पकौड़ा अभी रख ले। सारे कम मिर्च के हैं छोले लेना आप। ये आ गया नमक, नमक, जीरा भुना हुआ, मिर्ची, नमक, जीरा कच्चा आ गए, ये नींबू आ गया। अच्छा ऊपर से टमाटर और आलू भी डाले हुए हैं? हाँ जी, तीनों चीज मिला के बनाते हैं ना हम। क्या बात, इसमें डाली खट्टी चटनी, ये मिक्स हो गया, वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपने खाए थे। अच्छा हमको कुछ याद है जब आपने शुरुआत करी थी तो कितने पैसे से शुरुआत करी थी? कौन बैठे थे पहले, किसे करी थी शुरुआत? जब मैं बैठा था 2 रुपया बताते, 2 रुपया था। तो आपके फादर साहब ने करी थी या आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं, उसके बाद ये
सर्व की जाएगी बहुत ही यम्मी सी ये कचौरी। ये आगे जी खस्ता कचौरी, हाँ जी, ऊपर से डाल दिए छोले, ये क्रश कर दिया है। होते हैं छोले, छोले आलू टमाटर, अच्छा, धनिया और मसाले। ये चटनी कौन सी, अमचूर की? अमचूर की। अब जाएगी जी इस कचौड़ी की जान, क्यों अंकल? हाँ जी, ये अपनी प्लेट बनकर तैयार। ये देखिए भाई, ये आ चुके मेरी बहुत ही डिलीशियस सी दिखने वाली कचौरी की चाट। चलिए टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, ये मीठी चटनी है जिसमें केले हैं, ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स, बनाना, मीठी चटनी और कचौरी के ऊपर से क्रश करके डाले हैं छोले। चलिए जी बाइट लेता हूँ इसकी।